गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर मैं आया हूँ एक और राइडिंग वीडियो के साथ, और आज मैं जा रहा हूँ शेल्डन मोटर्स शोरूम पर। रिसेंटली शोरूम गया था तो उनके साथ मैंने पूछा था, तो आज बुलाया है उन्होंने, तो मैं जा रहा हूँ आज शोरूम का। कुछ सिनेमैटिक वीडियोस लेंगे और एक पर्टिकुलरली एक बाइक के ऊपर रिव्यू लेंगे आज। अभी मैं अपना गांव के मेन सर्कल पे हूँ, तो निकलते हैं यहाँ से। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I... गाइस मैं रोज़ की तरह वही बात कहने जा रहा हूँ कि सेफ्टी देख लो जब भी राइड करते हो, तो हेलमेट ग्लव्स जो कुछ भी है आपके पास, राइड सेफ बी सेफ, बस उतना ही कहना चाहता हूँ। लेफ्ट को एक्चुअल रोड है, तो हम जाएंगे सीधा शॉर्टकट लेके। अभी मैं आ चुका हूँ बेलवाई मार्केट पर, और यहाँ पर कुछ काम है, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे सीधा शोरूम पर। गाइस जो कुछ भी काम था हुआ है, और यहाँ से अभी निकल रहा हूँ और सीधे जाएंगे शोरूम उड़पी सिटी पे। अंकल स्टैंड नहीं निकल है, स्टैंड स्टैंड यहाँ से राइट लेना है, शोरूम आ गई और हम जाएंगे वीडियो बनाने।
फाइनली गाइस मैं आकर पहुंचा हूं शेल्टन मोटर्स पर और यहां पर बाइक सारे खड़े कर दिए हैं बाहर। शोरूम के अंदर चलते हैं और एक सिनेमैटिक वीडियो भी दिखा दूंगा सारे बाइक्स के बारे में। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. चलो हम अपने आज के मेन कंटेंट पर बात करते हैं। इस फ्यूचरिस्टिक MT-15 के बारे में सब कुछ डिटेल दूंगा मैं। स्टार्ट करते हैं इंजन से। वैसे इस बाइक में लगी है 155 cc का इंजन, जो कि आपको मैक्सिमम हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है 18.5 PS पर 10,000 RPM और मैक्सिमम टॉर्क है 13.9 Nm पर 8,500 RPM। मेनली आपको इस बाइक में यहाँ पर लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिल जाता है और यहाँ पर ऊपर एक रेडिएटर भी दी गई है। ये दोनों सिस्टम आपको लॉन्ग ड्राइव पे यूज़ हो जाते हैं, जहाँ पर आपका बाइक ओवर हीटिंग होने से बच जाता है। फ्रंट टायर पे आपको 282 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है। सिंगल चैनल ABS के साथ आता है बाइक, और जो कि एक 155 cc की बाइक में ज़्यादा ज़रूरी है। रेयर टायर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 220 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है। इस बाइक का लुक इसी दो LED पोजीशन लाइट से है और एक LED प्रोजेक्टर लाइट भी है यहाँ पर। ब्रेक लाइट भी आपको LED मिल जाते हैं, जो पीछे से ज़बरदस्त लुक देता है। इस बाइक का ओवरऑल लेंथ है 220 mm और ओवरऑल विड्थ है 800 mm। 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस के साथ इसका सीट हाइट है 810 mm, सो ओवरऑल 1070 mm हाइट है।
फ्रंट पे टेलीस्कोपिक फॉक सस्पेंशन सिस्टम लगी है और बैक पे लिंकड टाइप मोनोक्रॉस सस्पेंशन सिस्टम लगी है। फ्रंट और रेयर 17 इंच का ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है। स्पेशली इस फ्यूल टैंक का डिज़ाइन अच्छी है और 10 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी है। साथ ही ये स्टिकर भी देख लो, मल्टीफंक्शनल नेगेटिव डिस्प्ले यहाँ पर इस बाइक में मिल जाते हैं। बहुत सारे सेटिंग्स भी हैं यहाँ पर और दूसरे टाइप के इंडिकेटर्स भी हैं। यहाँ पर दो बटन दिए गए हैं, उसको लॉन्ग प्रेस करके आप कुछ सेटिंग चेंज कर सकते हो। शॉक एग्जॉस्ट का साउंड भी सुन लो। पूरा बाइक का लुक इसी से है, ये देख लो एक बार। शायद आपको मेरा आवाज़ कम सुनाई दे रहा है क्योंकि पूरे शोरूम में इसी का आवाज़ भर गया है। एक बार राइस भी करके देख लेंगे। ये स्टॉक एग्जॉस्ट का साउंड है और आप चाहे तो परचेज करने के बाद मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मुझे पर्सनली अच्छी लगी इस बाइक में, वो मैं इसी वीडियो के एंड पे बता रहा हूँ। तब तक के लिए आप इस बाइक का कुछ आउटलुक देख लो। अगर किसी एक व्यूअर का कमेंट आया तो भी मैं इस बाइक पर वीडियो बना रहा हूँ सच में। अब आपको क्या करना है, बस वीडियो पॉज करो और जाकर कमेंट करो। R15 अभी अभी आकर पहुँचे शोरूम पर, तो सोच लगे इसका भी एक सिनेमैटिक वीडियो ले लो। ये हो गई चालू और देख लेंगे इसका स्टॉपिंग से इसका साउंड। जैसे मैंने वीडियो पे पहले बताया तो कुछ फीचर्स मुझे आज में बहुत अच्छे लगे पर्सनली इस बाइक में। उनमें एक स्पेशल फीचर है, वो है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच। बेसिकली क्या होता है, सारे बाइक्स में अगर साइड स्टैंड लगे हुए हैं तो इंजन स्टार्ट नहीं होता, पर MT पे वैसे नहीं, इंजन स्टार्ट होता है पर जब भी आप गियर डालते हो तो इंजन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। सेकेंडली इसको मैं फीचर कहूँ या ऑफ़र कहूँ मुझे ही पता नहीं। बेसिकली MT पे 3 मेन कलर वेरिएंट्स रहते हैं, पर यहाँ पर कंपनी आपको 11 और कलर वेरिएंट्स दे रहे हैं, जहाँ पर ऑर्डर करते समय आपको बॉडी कलर और व्हील कलर सेलेक्ट करना रहता है और बाइक का प्राइस भी कलर वेरिएंट के ऊपर डिपेंड हो जाता है। कुछ कलर वेरिएंट्स आप यहाँ पर देख सकते हो जो मुझे पर्सनली अच्छे लगे। आप कलर वेरिएंट्स गूगल पे यामा मोटर इंडिया वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। और मेनली मैंने आपको माइलेज के बारे में नहीं बताया है, तो MT15 आपको 40-45 किलोमीटर पर लीटर माइलेज देता है। MT15 का प्राइस मूड मिल रुपये 1,87,000 है। बाइक का प्राइस स्टेट वाइज चेंज होता रहता है और शोरूम का डिटेल भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उनका एक इंस्टाग्राम ID भी है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू शेल्टन मोटर्स एंड थैंक्स टू रोशन भैया जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और थैंक्स टू उस कमीना फ्रेंड को जो मेरे साथ था इस वीडियो बनाने में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो पे जल्दी, एंड टेक केयर एडवेंचरस लाइफ फैमिली।